नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। थाना क्षेत्र के बॉन्डर गांव में विनय कुमार मिश्र का आटा चक्की स्पेलर मसाला मशीन का कारखाना लगा हुआ है, जिसमें गांव के ही पंकज यादव पुत्र स्वर्गीय ध्यान सिंह यादव का 10 वर्षीय नाती शुभम यादव उम्र लगभग 10 वर्ष 10 दिनों से मजदूरी कर रहा था, जिसमें गुरुवार की रात्रि लगभग 8 बजे स्पेलर में कार्य करते समय अचानक शुभम का दाहिना हाथ सॉफ्टवेयर में फंसने की वजह से कट गया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रतिदिन की भांति रात्रि में 10 बजे जब शुभम घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां सीमा देवी, पत्नी पंकज सिंह व घर वालों को जब सूचना मिली, परिजनों ने कारखाने में आकर देखा तो लड़के शुभम का शव छत विछत जमीन में पड़ा था, जिसे देखते ही उसकी मां व परिजन दहाड़े मारकर चिल्लाने लगे। इस शोरगुल को सुनकर मोहल्ले व गाँव के लोग एकत्रित हो गए, जिसके बाद परिजनों ने रात लगभग 10 बजे अक्सोथर थाना पुलिस को इस दुर्घटना के बारे में सूचना दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन रात्रि होने की वजह से मृतक के परिजनों ने मना कर दिया, जिसके बाद लगभग 11:30 बजे के करीब पोस्टमार्टम हाउस फतेहपुर भेजा गया। वहीं मृतक की मां सीमा देवी की तहरीर पर कारखाना मालिक विनय कुमार मिश्र उर्फ शनि शानू मिश्रा पुत्र गढ़ स्वर्गीय सुरेश कुमार मिश्र व अनुज मिश्रा पुत्र स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद मिश्रा के खिलाफ घटना की सूचना न देने के साथ ही घोर लापरवाही की तहरीर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हृदय विदारक घटना से सारे गांव व गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। यूएफटी न्यूज 24 के लिए असोथर फतेहपुर से महेश कुमार की रिपोर्ट।